गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए, आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपके बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए आपके चैप्टर हाफ ईयरली में चैप्टर सारे हैं आपके 6 to 10, ठीक है, जिसमें हम आपको चैप्टर 7 तक पार्ट 6 में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको चैप्टर 8 पढ़ाएंगे पार्ट 7 में, ठीक है। आज हमारा पार्ट 7 है और चैप्टर है 8 नई राह, ठीक है। पेज नंबर 32 पर ओपन करिए इसे। देखिए नई राह पेज नंबर 32, ठीक है। मैं यहाँ पार्ट शो कर देती हूँ आपका, पार्ट 7, ठीक है। नई रा सबक नंबर 8, ठीक है। देखिए अकल को एक नई रा दिखा दो बच्चों, क्या बोल रहे हैं, नई रा दिखाने के लिए अकल को एक नई राह दिखा दो बच्चों, इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों। बच्चों से कह रहे हैं ये कि इल्म की यानी चिराग जो भी है, चिराग की जो वो है ज़माने में, वो फैला दो अपने इल्म की, यानी इल्म को अपने चिराग की तरह दुनिया में फैला दो। जैसे चिराग की रोशनी दुनिया में सब पूरी एक कमरे में हो तो पूरे कमरे में फैलती है, इसी तरह अब अपने इल्म की जो वो है शम्मा सब में जला दीजिए। खिदमत खल्क करो साहेब ईमान बनो, नई दुनिया नए माहौल के मैमार बनो। क्या कह रहे हैं, खिदमत खल्क करो साहेब ईमान बनो। खल्क कहते हैं जानदार, खिदमत करने के जानदार वाले बनो, साहेब ईमान बनो के ईमान वाले बनो, नई दुनिया नए माहौल के मैमार बनो, यानी जो नई दुनिया जो बन रही है उसके माहौल के क्या बनो, बनाने वाले बनो। हिर्स वालों ने बनाया है जिसे अपने लिए, मिलके नफ़रत की वो दीवार गिरा दो बच्चों। हिर्स यानी जो लालच है जो दुनिया वालों ने बनाया है उसको अब मिलके नफरत, जो सब बच्चों मिलकर वो नफ़रत को दीवार की तरह गिरा दो। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों, यानी इल्म की जो मैंने ऊपर बताया था इल्म की जम्मा, यानी अपने इल्म से दुनिया को भर दो। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों, क्या है, सब अपने अपने ईमान अपना इल्म अपने दुनिया में फैला दो। अब है नीचे, कोई मज़हब नहीं इंसान का दुश्मन हरगिज़, दिल नहीं होता बुराई का नशीमन हरगिज़। क्या बोल रहे हैं ये, कोई मज़हब नहीं इंसान का दुश्मन हरगिज़, कोई मज़हब नहीं है ऐसे इंसान को दुश्मन बनाने के लिए। कोई किसी मज़हब में ये नहीं लिखा कि हम अपने जो इंसानों को, हम अपने जो दोस्त उन लोगों को दुश्मन बना ले, कोई मज़हब नहीं कहता है। दिल नहीं होता बुराई का नशीमन हरगिज़, यानी बुराई करने का कोई आशिया नहीं, कोई घोंसला नहीं होता है। ये भी सच है कि नहीं कोई किसी से मुख्तर है जो गाफिल, उन्हीं ये बात बता दो बच्चों। कि ये सच नहीं है कि कोई कमतर है या कोई बढ़कर है, ठीक है, किसी से ये कहानी, ये जो गाफिल उन्हें ये बात बता दो बच्चों कि वो लोग इस बात से गाफिल हो चुके हैं, बेफिक्र हो चुके हैं कि हम ये सच, ये हम ये उससे कमतर हैं, ये बढ़कर हैं। लोगों ने इस दिल में ठान रखी है कि हम इससे कम हैं तो हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते, कोशिश करनी चाहिए, हम इस चीज़ को गाफिल हैं यानी बेखबर बैठे हैं। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों, ठीक है, वही दुनिया में अपने इल्म बिखेर दो बच्चों। है ज़माने का जो भगवान, खुदा भी है वही, पर प्रार्थना भी है वही और दुआ भी है वही। कह रहे हैं ज़माने में जो भगवान है खुदा भी वही है। लोगों ने अपने अपने धर्म के साथ अपने खुदा बदले हैं, तो ये नहीं कि भगवान जो है वही, खुदा भी है, प्रार्थना भी है वही, दुआ भी है। जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो दुआ ही में मांगते हैं, किसी में दुआ में हम अपने लिए कुछ अच्छा मांग रहे हैं तो प्रार्थना में भी वही मांगेंगे, ये नहीं कि अलग कुछ अलग चीज़ मांग लेंगे, ठीक है। एक ही सबकी तिल्म, एक ही सबका अरमा, अरमा भी सबका एक कामयाब होने का होता है, पढ़ने का होता है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, ठीक है। एक ही सबका तिल्म है और एक ही अरमा है, दिल की धड़कन की सदा सबको सुना दो बच्चों, यानी दिल की जो आवाज़ है वो सबको सुना दो बच्चों। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों,
ठीक है। माँ की शफ़क़त भी वही, माँ की शफ़क़त भी वही, भाई बहनों की है आपस में मोहब्बत भी वही। कि हम क्या कह, इसमें क्या कह रहे हैं कि माँ की शफ़क़त भी बाप की शफ़क़त भी, यानी सब धर्म में एक ही चीज़ होती है। माँ भी उसी तरीके से प्यार करती है, माँ वैसे ही खाना बनाती है, माँ वैसे ही नहला वहला कर तैयार करती है। ये नहीं कि हम सिर्फ हम अलग धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम अलग ही, हमारे माँ बाप हमें अलग ट्रीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई बहन उसी तरीके से हमें हर धर्म में प्यार करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, राम व रहमान कोई भी हो, इबादत यकसा सबकी आंखों को ये तस्वीर दिखा दो बच्चों। राम हो या रहमान हो, कोई भी हो, इबादत का यकसा यानी इबादत करने वाला, सबकी आंखों को ये तस्वीर दिखा दो बच्चों, ठीक है। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों। इल्म का काम है तकदीर को रोशन करना। इल्म का क्या काम है? तकदीर को रोशन करना, अपने जो भी हमारा फ्यूचर है उसको रोशन करना। इल्म से ये ही होता है, जो हर अकल को तदबीर को रोशन करना, जो अपनी हर अकल को क्या करता है, तदबीर करता है, रोशन करता है। जिससे दुनिया में हो इखलास व मोहब्बत का चलन, जिससे हो दुनिया में इखलास व मोहब्बत का चलन, अहले आलम को वो तहजीब सिखा दो बच्चों। के जिससे दुनिया में इखलास आ जाए, मोहब्बत हो जाए, चलन आ जाए, उसको उस वो आलम बिखेर दो, यानी वो तहजीब सिखा दो बच्चों। इल्म की शम्मा ज़माने में जला दो बच्चों, यानी सबने अलग अलग सोच बना के बैठे हैं कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो कम है हमसे, तो हमसे कमतर हैं तो हम उनके संग ये बिहेवियर करेंगे। ये कुछ नहीं है, अपने अपनी जो भी हमारी सोच है उसे बदलनी चाहिए। हमें जो नई राह है वो जिसमें बताई गई है, उसके एक एक अल्फाज को सही तरीके से सुनिए। हमारी जो तहजीब बताई गई है इसमें, तहजीब यानी खुश अखलाकी सिखाइए, अहले आलम को तहजीब सिखा दो बच्चों। उसका मतलब यही है कि हमें जो तहजीब है, अखलाक है, उस वो तरीका बता दो बच्चों। शौकत परदेसी हैं, उन्होंने ये राइम लिखी है, ठीक है। सभी बच्चों को अल्फाज मैंने इसी बुक्स में रखने हैं। अब नीचे हमारे स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज पार्ट है 7। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। शायर इल्म की शम्मा कहाँ जलाने को कह रहे हैं? कहाँ जलाने को कह रहे हैं शायर? शायर इल्म की शम्मा ज़माने में जलाने के लिए कह रहे हैं। खिदमत खल्क करो, साहिब ईमान बनो, साहिब दौलत बनो, साहिब औलाद बनो, साहिब ईमान बनो। मिल के नफ़रत की वो छत गिरा दो बच्चों, ईंट गिरा दो बच्चों, दीवार गिरा दो बच्चों, दीवार गिरा दो बच्चों, ठीक है। एक ही सब की तालिब इल्म, एक ही सब का अरमा निशां गुमा अरमा। हम जब पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ पढ़ते हैं और हमारा सबका अरमा भी यही होता है, ठीक है। अब है नीचे हमारा अशार मुकम्मल कीजिए। शेर है इनकम्प्लीट है, उसे हमें कम्प्लीट करने हैं, ठीक है। खिदमत खिल्क करो, साहिब ईमान बनो। हम ये चैप्टर से देखेंगे आगे, देखिए। खिदमत खल्क करो, साहिब ईमान बनो, नई दुनिया नए माहौल का मेहमान बनो, ठीक है। यही हमें लिखना है यहाँ पे। खिदमत खल्क करो, साहिब ईमान बनो, नई दुनिया नए माहौल के मेहमान बनो। ठीक है, अब है नीचे सेकंड डैश है, फिर मिल के नफ़रत की वो दीवार गिरा दो बच्चों। यही हमें बुक से देखना है। इससे पहले है हमारा हिट्स वालों ने बनाया है जिसे अपने लिए, मिल के नफ़रत की वो दीवार गिरा दो बच्चों। तो हम यही लिखेंगे, हिट्स वालों ने बनाया है जिसे अपने लिए, मिलकर नफ़रत की वो दीवार गिरा दो बच्चों। थर्ड है, कोई मज़हब नहीं इंसान का दुश्मन हरगिज़, दिल नहीं होता बुराई का नशमीन हरगिज़, दिल नहीं होता बुराई
का नशमीन। हरगिज़, ठीक है। अब है ये भी सच है कि कोई किसी से कमतर, कोई नहीं, ये सच भी है कि नहीं कोई किसी से कमतर है जो गाफिल, उन्हें ये बात बता दो बच्चों। ये जो इस बात को समझता है कि कोई किसी से कमतर है, वो क्या है, गफलत में है, गाफिल है इस बात से, है जो गाफिल गाफिल उन्हें ये बात बता दो, ये बात बता दो बच्चों, ठीक है। ये हो गया, अब आगे करते हैं। आगे दिए हुए हैं हमें दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए, ठीक है। ये हमें क्या करना है, छोड़ देना है, इसे कट कर दूंगी मैं, चैप्टर के पोएम के क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी। अब है नीचे हमारे इस नज़म के जो अशार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं उसे यहाँ तहरीर कीजिए। जो भी आपको इसमें अशार जो भी इसमें पसंद आए हों, मुझे तो ज़्यादातर सारे ही शेर जो दिए बताए हैं इसमें सुनाए हैं, लिखे हुए हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं, आपको भी पसंद आए हैं, उम्मीद मुझे यही है। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं उन आपको चार शेर को यहाँ लिखना है, ठीक है। चार शेर यहाँ आप लिख दिएगा चैप्टर से, ये आपके लिए ठीक है, होमवर्क है, ये सभी बच्चे करेंगे। अब है यहाँ पर दर्जा अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। अब हमें क्या करना है, इसका इमला दुरुस्त करना है और नीचे लिखना है। अकल इस तरीके से लिखा जाएगा, शम्मा इस तरीके से लिखा जाएगा, ज़माने इस तरीके से लिखा जाएगा, खल्क इस तरीके से लिखा जाएगा, माहौल इस तरीके से लिखा जाएगा, हिट्स नफ़रत, मज़हब दुश्मन, गलत लिखे हुए हैं उसे हमें सही करना है, गाफिल, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये हो गया। अब आगे देखिए, दर्ज ज़ैल अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। अब जो हमें इस पर दुरुस्त एराब लगाने हैं, अकल, इल्म, शम्मा, खिदमत, नफ़रत, दुश्मन, हिर्स, मज़हब, नशमीन, कमतर, अरमान, रोशन। दर्ज ज़ैल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए, इल्म, खल्क, जवा, ठीक है। अब लिखिए अकल, फिर हिर्स, रोशन, शम्मा, ठीक है। अब है सदा, चलन, ठीक है। अब ये हो गया। अब है आपका दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। शफकत को आपको अब कितना टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखना है, लेकिन सभी को अच्छी तरीके से लिखना है। कोई भी बच्चा इसे उल्टा सीधा नहीं लिखेगा। सभी बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी करके ले आते हैं, गंदी गंदा काम करते हैं और ले आते हैं। बिल्कुल अच्छा साफ साफ काम करना है आपको, जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से करिए, ठीक है। इस तरीके से मोहब्बत, इबादत,
यक्ष, तस्वीर, तकदीर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ आपको क्या करना है, पूरा 8 टाइम्स लिखना है। सभी बच्चों को अच्छे अच्छे से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। अब आपको नीचे दिए हुए हैं दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जो मैमार, नफ़रत, नशमीन, तल्ब, अखलास, तहजीब, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे जुमले अपने आप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को जुमले अपने आप करने हैं। मैं दोबारा दिखा देती हूँ मैंने क्या करा है। एक्सरसाइज है बुक्स में, क्वेश्चन आंसर मैंने कट कर दिए हैं। तो सभी बच्चों को करना है एक्सरसाइज, सभी को बुक में ही रखनी है, कॉपी पर कुछ भी नहीं करना है चैप्टर 8 यानी पार्ट 7 में। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। देखिए, शायर इल्म की शम्मा कहाँ जलाने को कह रहे हैं, ज़माने में। ज़माने में राइट करा है मैंने, खिदमत खल करो, साहिब ईमान बनो। साहिब ईमान पर राइट करिए, मिल के नफ़रत की वो दीवार गिरा दो बच्चों। ठीक है, एक ही सब का तालिब इल्म, एक ही सब का अरमा। ठीक है, अब है हमारा अशार मुकम्मल कीजिए। खिदमत खल्क करो, साहिब ईमान बनो, नई दुनिया नए माहौल के मेमार बनो। हिर्स वालों ने बनाया है जिसे अपने लिए, मिलकर नफरत की दीवार गिरा दो बच्चों। कोई मजहब नहीं इंसान का दुश्मन, हरगिज़ दिल नहीं होता बुराई का नशमिन हरगिज़। ये भी सच है कि नहीं कोई से किसी से कमतर है जो गाफिल, उन्हें ये बात बता दो बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों को अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए वीडियो में, तो आप सभी बच्चे अपने चैप्टर्स किसे देखकर कर सकते हैं। सभी को सारी ये जो इसमें जो मिस थी, आपके शरीर जो छूटे हुए थे, सबको चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर रहे वो मैंने कट करा दिए हैं, निशान लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ था इस नज़म के जो अशार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हों, इसे यहाँ तहरीर कीजिए। आपको यहाँ 4 अशार आपको इस चैप्टर से देख के ज़रूर लिखना है सभी बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा दर्ज अल्फाज, इमला दुरुस्त करके नीचे लिखिए। तो अकल देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, शम्मा इस तरीके से लिखा जाएगा, ज़माने इस तरीके से लिखा जाएगा, खल्क इस तरीके से लिखा जाएगा, माहौल इस तरीके से लिखा जाएगा, हिट्स हमारा ये गलत हो गया है, सही कर लेते हैं इसे। हेड्स हमारे में हे आएगा, हेड्स। ठीक है, हेड्स ये हो गया। नफ़रत, मजहब, दुश्मन, गाफिल। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिर है हमारा जो दर्जल एराब थे मैंने लगा दिए हैं, देखिए किस तरीके से लगाए हैं। दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। इल्म बनाया है मैंने, खल्क बनाया है, जौहर बनाया है, अकलमंद बनाया है, हेड्स बनाया है, रोशन बनाया है, शम्मा, सदा, चलन। यहाँ आपको सभी को अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बार बार लिखना है, यहाँ 8 टाइम्स लिखना है। ठीक है, बाकी आपके जुमले यहाँ पर आपको खुद करने हैं। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 8 में 9 चैप्टर पढ़ाएंगे। जब तक अपना पार्ट 7 का देख कर अपने अच्छे सा वीडियो देख कर अच्छा सा काम करेंगे सभी बच्चे अपनी बुक पर। ठीक है, कॉपी पर कुछ नहीं करना है पार्ट 7 में। ठीक है, थैंक यू।